कहानी संचय, क्लास 7, चैप्टर 5, धन वर्षण। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह एक बहुत करामती मंत्र जानता था। उस मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाता तो आकाश से नाना प्रकार के रत्नों और धनों की वर्षा होने लगती। उस ब्राह्मण के पास एक बड़ा बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ने आता था। एक दिन किसी काम से ब्राह्मण उस विद्यार्थी को लेकर घर से बाहर गया। कुछ दूर जाने पर वे एक घने जंगल में जा पहुंचे। इस जंगल में कम से कम 500 डाकुओं का गढ़ था। वे राहगीरों का माल असवाब सब लूट लिया करते थे। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी की भी यही दशा हुई। डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। राहगीरों के पास हमेशा रुपया पैसा नहीं रहता था, फिर भी डाकू उनको नहीं छोड़ते थे। वे एक को बांध कर दूसरे से कहते, जाओ रुपए लेकर इसे छुड़ा कर ले जाओ। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ लेते तो लड़के को बांध कर रख लेते और बाप को रुपया लाने को भेज देते। यदि दो भाइयों को पकड़ते तो छोटे को रखकर बड़े को भेजते और गुरु चेले को पकड़ने पर गुरु को रखकर चेले को भेजते। इसी प्रकार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़कर शिष्य को रुपया लेने के लिए भेज दिया। जाते समय शिष्य ने गुरु जी को नमस्कार करके कहा, मैं एक दो दिन के भीतर ही लौटूंगा, आप डरना मत। किंतु एक काम आपको करना होगा, आज धन वर्षा का दिन है। ऐसा ना हो कि आप दुख से कातर होकर धन वर्षा के लिए मंत्र पढ़ दें। यदि ऐसा करेंगे तो आप खुद भी मरेंगे और ये डाकू भी। शिष्य ऐसा कहकर रुपया लेने के लिए चला गया। संध्या के समय चांद नजर आने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि नक्षत्र योग आ गया है। डाकू भी हमें धन के लिए नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं, तो इतना कष्ट क्यों सहूं? मैं इसी समय मंत्र के बल पर धन बरसाकर और इन्हें देकर क्यों न चला जाऊं? यही सोचकर उसने कहा, क्यों जी, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, धन के लिए। ब्राह्मण ने कहा, यदि यही बात है तो मेरा बंधन खोल दो, स्नान करने दो, चंदन लगाने दो तथा फूलों की माला पहनकर मंत्र पढ़ने दो। डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर ज्यों ही आकाश की ओर देखा, त्यों ही आकाश से नाना प्रकार के धन रत्नों की झड़ी लग गई। डाकुओं से जितना हो सका उन्होंने उतना धन इकट्ठा किया और एक कपड़े में बांधकर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कुछ अन्य डाकू आए और उन्होंने उन डाकुओं को रोक लिया। पहले वाले डाकुओं ने कहा, हमको क्यों रोकते हो? दूसरे ने जवाब दिया, धन के लिए। पहले के डाकुओं ने कहा, अगर यही बात है तो धन इस ब्राह्मण से मांगो। इसके आकाश की ओर देखते ही धन की वर्षा होती है। इसी ने हमको धन दिया है। नए डाकुओं ने पहले के डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, यदि यही चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर के बाद आता है। तुम लोग साल भर इंतजार करो। डाकू बिगड़ गए और बोले, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण, इनके लिए अभी धन वर्षा हुई है और हम लोगों के लिए साल भर बाद होगी। क्रोधित डाकुओं ने ब्राह्मण को मार कर रास्ते में फेंक दिया और दौड़कर पहले वाले डाकुओं को पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में भयंकर मारामारी शुरू हो गई। कुछ डाकू घायल हुए और कुछ मर गए। अंत में सिर्फ दो डाकू बचे। दोनों डाकू सारा धन रत्न लेकर एक गांव के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे धन रत्नों को छिपा दिया। उन दोनों डाकुओं में से एक तलवार लेकर पेड़ पर चढ़ गया और पहरा देने लगा तथा दूसरा भोजन लेने गांव की तरफ चल पड़ा। तलवार लेकर पेड़ पर पहरा देने वाले डाकू ने सोचा कि अगर वह लौट कर आएगा तो इस धन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। यह सोचकर उसने तलवार को कस कर पकड़ लिया और उसके आने की राह देखने लगा। उधर दूसरा डाकू जो गांव में भोजन लेने गया था, वह भी यही सोचने लगा कि यदि उसका साथी जिंदा रहा तो आधा हिस्सा उसे भी देना पड़ेगा।
क्यों ना इस भोजन में विष मिलाकर उसे खिलाया जाए, जिससे वह खाते ही मर जाए और सारा का सारा धन मेरा हो जाए। यही सोचकर खुद तो उसने भोजन कर लिया और शेष भोजन में विष मिलाकर दूसरे डाकू के लिए ले आया। पेड़ पर बैठा डाकू पहले से ही तैयार था। दूसरे डाकू के आते ही उसने तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए और उसे एक गुप्त स्थान में फेंक आया। फिर वह पहले वाले डाकू द्वारा लाया हुआ विष युक्त भोजन बड़े इत्मीनान से खाने लगा। जैसे ही उसने भोजन खाया तो उसकी तबीयत खराब होने लगी और थोड़ी ही देर में वह भी परलोक सिधर गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए जब शिष्य रुपया पैसा लेकर 2 दिन बाद आया तो देखा कि वहां गुरु नहीं है और धन रत्न चारों ओर बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि गुरु ने उसकी बात नहीं मानी और वे धन वर्षा करके सबके साथ स्वयं भी नष्ट हो गए। धन्यवाद। यह कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है।